Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you? Fine, sir. And you? I'm super fine. Why our sub companions are not coming? I don't know. Why your colleagues, your classmates are not coming? Sir, today is very cold. The day, Mr. Raj told me, sir, you should treat actively. You should treat strictly to the student. After that, they will start coming. Right. It's really. एक कहावत है ना, मुझे लगता है वो कहावत सही है. वो सुनाई थी क्या मैंने आपको कहावत? ने एक्चुअली रामायण की चौपाई है. बिनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भाई बहन होए न प्रीत. ये शायद मैंने सुनाई थी आपको एक दिन. इसका मतलब क्या है कि भाई बहन प्रीत नहीं हो सकती. अच्छा, एक बात यह है, हम जानते सब हैं. अब वो आप सबको पता है कि हम अनुशासन में नहीं रहते, हम लेट जाते हैं, वी आर नॉट कंटिन्यू इन द क्लास, we have a discontinuity, irregularity, even then we are not aware for study. You know that for better result, we should have a full dedication for class, sincerity and dedication. Without both, achievement is not possible. तो ये चीज़ है. आज आपको क्या बता दें हम, वो टेंस बता दें क्या? सर, प्रेजेंट का क्या? प्रेजेंट का. आप डेली रूटीन बोलेंगे क्या आके? आर यू रेडी? चलो इसके बाद है ना. तुम्हारा नाम क्या है? योर नेम? स्नेह. ठीक है, स्नेह समझ लो तुम बहुत अच्छे से. देखिए, टेंस मतलब होता है काल, काल मतलब होता है अवधि या समय. ठीक है, तो हम जब कभी बात करेंगे तो हमारी बात तीन प्रकार से होगी, तीन प्रकार से होगी बात. जैसे कि मैं, अरे यार ये तो कम चल रहा है. जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता था. ठीक है, और मैं जाऊंगा. अब देखो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, किसी भी बात को तीन प्रकार से ही करना पड़ेगा. वर्तमान, भूत और भविष्य, तीन प्रकार से करना पड़ेगा. क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि काम होता है या हुआ था या होगा. ठीक है, ये तो हो गया टेंस. अब इनमें भी वैरायटी होती है, इनमें भी वैरायटी होती कि वर्तमान में भी जब हम काम करते हैं तो इसमें भी चार प्रकार से काम होता है. एक होता है मैं काम करता हूँ, मतलब पता नहीं कब करते हो पर मैं तो करता हूँ. जैसे आपने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, कब जाते हो पता नहीं, टाइम हो सकता है आगे पीछे जाते हो, एग्जैक्ट टाइम उस पर ना जाते हो, लेट जाते हो आप. आपने कहा मुझे म्यूजिक पसंद है, ठीक है, आपने कहा कि मैं गरीबों की मदद करता हूँ, तो गरीबों की मदद कभी भी कर सकते हो आप, मतलब अनिश्चित. ठीक है, मैं गरीबों की मदद करता था ये भी अनिश्चित, और मैं गरीबों की मदद करूँगा ये भी अनिश्चित, क्योंकि इसमें कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है कि मैं गरीबों की मदद कब करता हूँ या कब करूँगा. ठीक है, बस करता हूँ, समझ में आ गया. अब इस इनमें भी चार चार होते हैं, जैसे कि मैं जाता हूँ, और दूसरा है मैं जा रहा हूं. इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये टेंस जो है ये स्पष्ट दिख रहा है सामने, अभी जा रहा है, कंटिन्यूस जा ही रहा है वो तो बेचारा. जैसे आपने कहा मैं पढ़ता हूं तो पता नहीं कब पढ़ते हो, लेकिन आपने कहा कि मैं पढ़ रहा हूं, स्पष्ट है कि अभी पढ़ रहे है ना. किसी को फोन लगाओ, उसने कहा कि मैं पढ़ रहा हूं, इसका मतलब व्यस्त है आदमी. किसी ने कहा कि मैं खेल रहा हूं, इसका मतलब व्यस्त है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है. अब एक और बात है इसी में, वो कहता है मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका हूं. इससे क्या स्पष्ट हुआ? हाँ, मतलब रिसेंटली, मान लो किसी ने आपसे कहा तुम जाते हो, उसने कहा भैया मैं तो जा चुका, मतलब मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया. इसे बोलते हैं हम परफेक्ट, कि मतलब हो चुका. मान लो मैंने आपसे कहा क्या तुम होमवर्क कंप्लीट करते हो, आपने कहा कि सर मैं तो होमवर्क कंप्लीट कर चुका. ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये परफेक्ट हो गया. अब जैसे मान लीजिए, अब थोड़ा सा मैंने कहा कि तुम कब से जा रहे हो, किसी का एग्जांपल देखते हैं, तुम कब से जा रहे हो, मान लो आप मंदिर जा रहे हो, तो मैंने कहा अच्छा मंदिर जा रहे हो, तो मैंने पूछा कब से जा रहे हो, तो आपने कहा कि सर नवदुर्गा के पहले ही दिन से जा रहा हूं. मान लो नवदुर्गा स्टार्ट हुई और उसके पहले ही दिन से आपने मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि आप काम तो कर रहे हो लेकिन
लंबे समय से कर रहे हो। मान लीजिए आपकी सहेली मिल गई आपको और उसने कहा कहाँ जा रही हो, आपने कहा कि मैं कोचिंग जा रही हूँ, तो उसने पूछा कब से जा रही, तो आपने कहा मैं तो एक महीना हो गया जाते हुए, एक महीने से जा रही हूँ। मतलब कोई काम जब हम लंबे समय से कर रहे हैं, मैं एक महीने से कोचिंग जा रही हूँ, एनी प्रॉब्लम? तो अब देखो इसमें, इसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसे बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि एक तो इसमें परफेक्शन आ रहा है कि मैं एक महीने से जा रही हूँ, तो हमने कंटिन्यूअस ले लिया, और चूंकि एक महीने से टाइम इसमें इनबिल्ट है साथ में, तो हमने कहा कि ये परफेक्ट भी बोल दिया, इसे कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जैसा प्रेजेंट में है सेम टू सेम, इसमें ये वाले अक्षर लगा के इसे पास्ट में और फ्यूचर में बनाया जा सकता है, ठीक है? जैसे कि आप खुद ही बना लोगे, मैं जाता हूं, मैं जाता था, और मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, मैं जा चुका हूं, मैं जा रहा था, होऊंगा, मैं एक महीने से कोचिंग जा रही हूं, महीने से कोचिंग जा रहा थी, मैं एक महीने से कोचिंग जा रही होंगी, एनी प्रॉब्लम? कितना सिंपल है। मतलब ये है कि हमें सिर्फ एक सेंटेंस सीखना है, हमें एक सेंटेंस सीखना है, उसी के हम सारे बना लेंगे, हमें किसी मास्टर की भी जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, मैं जाता हूँ, मैं जाता था, मैं जाऊँगा, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं एक महीने से कोचिंग जा रही हूँ। अब यहाँ करते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं जा रहा रहूँगा, मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका था, मैं जा चुका होऊंगा, और यही सिचुएशन तो आती ही बात करने के दौरान, ठीक है? और मैं एक महीने से कोचिंग जा रही हूँ, मैं एक महीने से कोचिंग जा रही थी, मैं एक महीने से कोचिंग जा रही होंगी, ये फ्यूचर की बात है, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे ये लिखने की आवश्यकता है क्या? मैं ये नहीं लिखता, है ना, क्योंकि इसमें आप कर लोगे। ये ऐसा करने का मतलब होता है, वैसे तो ये नहीं करना चाहिए, इसका मतलब होता है या तो यही कही यही या फिर यही कही यही, है ना, ऐसा नहीं करता, इसलिए छोड़ दे रहा है ब्लैंक, है ना, कुछ नहीं करना, जा रहा था करना पड़ेगा बस, और जा रहा होऊंगा, इतना लिख ही दे रहे अपन, है ना। यहाँ पे चुका था और चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा, रहा था करना पड़ेगा। कभी भी, है ना, जब भी आप टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके पीछे वाले वर्ड से करेंगे, समझ गए? पीछे वाले एक वर्ड से नहीं, पीछे वाले दो वर्ड से, क्योंकि आपको इससे पहचान मिलेगी, ता था, रहा था, चुका था, ठीक है, रही हूं, ठीक है, रही हूं। लेकिन इसमें दो चीजें देखना पड़ता है, एक महीने से रही हूं, चूंकि इसमें भी आता है, ऐसा आपने कहा मैं जा रही हूँ, इसमें भी आता है, लेकिन यहाँ हो रहा है कि मैं जा तो रही हूँ लेकिन कब से, एक महीने, इसमें दो चीजें देखना पड़ता है, ठीक है। और इसमें भी रहा था लेकिन कितने दिन से, एक महीने से, और इसमें रहा होगा और कितने से, एक महीने से, मतलब इसमें क्या रहेगा साथ में, समय, ठीक है, सब में समय रहेगा, समय मतलब टाइम, एनी प्रॉब्लम? ये बहुत ही मेरे हिसाब से सरल तरीका है, और हिंदी में समझ गए तो इंग्लिश में आप समझ ही जाते हो। अब इंग्लिश में देखो क्या करना है, इंग्लिश में कुछ भी नहीं करना आपको। जैसे मैं जाता हूँ तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। पास्ट में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं, फ्यूचर में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। अब कोई ये याद रखने की कोई बात ही नहीं है, कोई कहे यार सर ऐसा क्यों करते हैं, तो भैया अब जैसे मान लीजिए हमें दो चीज़ें बताना है तो उनके बीच में थोड़ा अंतर तो रखना पड़ेगा, नहीं तो एक सा नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो अंतर हम हिंदी में भी रखते हैं। देखो इसमें हूँ लगा रहे थे और इसमें था लगा रहे थे, तो ये मान के चलो कि जो हूँ है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से काम चल जाता है, और जब था की बात आती तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ता है। अच्छा जल्दबाजी में बच्चे बाज लगा देते हैं था के लिए, है ना, बाज भी लगता है लेकिन बाज कंटिन्यूस में लगता है, कभी भी सिंपल में बाज नहीं लगता, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब फ्यूचर में चूंकि गा आया है, जाऊंगा, तो इस गा को बताने के लिए हमें क्या लगाना पड़ा, विल, क्योंकि वी1 तो यहाँ भी लगाए, वी1
बात सिंपल में कभी नहीं लगता है ना, कॉन्टिन्यूस में लगेगा। ओके, तब यहाँ पे देखो हमने विल लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि हमें गा दिखाना था और गा को दिखाने के लिए हम विल लगाएंगे। बड़ा सिंपल है। अगर आपने एक कर लिया तो ये भी आप पूरे कर सकते हो। अब जरा इंग्लिश में करके देखते हैं हम लोग, ठीक है? नीचे कर दें, चलो इधर कर दे रहे हैं, ठीक है? तो आई गो, चलो मैं जाता हूँ, आई गो, और मैं जाता था या मैं गया, आई गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। एनी प्रॉब्लम? मैं जाता हूँ, आई गो, मैं गया था, आई वेंट, मैं गया था, मैं जाता था, मैं गया, सब में आई वेंट सेकेंड फॉर्म। मैं जाऊंगा, आई विल गो। अब देखो आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्पोकन में इतना कोई ध्यान नहीं देता। अगर आप नहीं भी करते तो काम चल जाएगा। एनी प्रॉब्लम? इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, आई विल गो, सिर्फ बी नहीं, विल गो ओनली, विल बी वो टू बी वर्ब हो जाएगा, ठीक है? अब देखो जरा, मान लीजिए मैं जा रहा हूं, तो इसमें क्या करना है? सब्जेक्ट तो है ही है, प्लस प्लस इज एम आर, इज एम आर, इसको बोलते टू बी वर्ब है ना, प्लस वर्ब की आई एन जी। इधर सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, पास्ट है, प्लस वर्ब की आई एन जी। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की आई एन जी। कहाँ पे? नहीं नहीं, चूंकि कंटिन्यूस टेंस है ना, इसलिए कंटिन्यूस टेंस है तो आई एन जी फॉर्म आएगी कंटिन्यूस। ये देखो मैं जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं जा रहा होऊंगा, ठीक है? आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, परंतु स्पोकन में चल जाएगा, ठीक है? आई विल बी गोइंग, कोई दिक्कत? एक बन गया तो पूरे बन जाते हैं, ठीक है? अब देखो जरा परफेक्ट में क्या करते हैं। मैं जा चुका हूं, सब्जेक्ट हो गया मैं हैज या हैव, तो अपने लिए तो हैव ही लगेगा। आई हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं यहाँ पे, कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब जब यहाँ जो फार्मूला था यहाँ भी वही फार्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस पास्ट में क्या लगेगा? हैड, प्रेजेंट में तो हैज है, वो तो है, पास्ट में हैड। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस विल के साथ क्या लगेगा? हैव, प्लस वर्ब की थर्ड। हालांकि फार्मूले आर्मूले टफ पड़ते हैं मेरे हिसाब से, तो मैं कभी फार्मूला किसी को पढ़ाता ही नहीं। मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट समझो ना, मैं जाता हूँ, मैं गया था, मैं जाऊँगा, क्या दिक्कत है? हिंदी में अंतर समझ में आ रहा है ना, तो इंग्लिश में भी अंतर तो होगा बात बोलने में, आ जाता है, ठीक है? इसे देखो, अब मैं जा चुका हूँ, आई हैव ले लो, आई हैव गॉन। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। मैं जा चुका हूँगा, आई विल हैव गॉन। एनी प्रॉब्लम? चलो अब देखो जरा, मैं एक महीने से कोचिंग जा रहा हूँ, वो कह रहा है एक महीने से, तो क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा नीचे कर दें, आई सॉरी सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें दो चीजें हैं, हम कह रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूस, तो परफेक्ट है तो कुछ परफेक्ट लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा? हैज और हैव, क्या लेना पड़ेगा? हैज और हैव, इनके साथ क्या लेना पड़ेगा? बीन, दोनों के साथ लगेगा, हैज बीन हैव बीन, मैंने इधर लिख दिया, दरअसल हैज बीन होना चाहिए और हैव बीन होना चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है? प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? आई एन जी फॉर्म। क्यों आई एन जी? क्योंकि हमने बोला है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस, तो कुछ परफेक्ट ले लो कुछ कंटिन्यूस ले लो, और लगेगा सेंस फॉर, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि इसमें टाइम जरूर देख लेना, तो टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? या तो लगाते हैं सेंस या फॉर। यहां अगर ये फार्मूला आएगा तो क्या जाएगा? हैड बीन और बोई का बोई सब, वर्ब की आई एन जी फॉर्म सेंस फॉर, और वहां लगेगा तो विल हैव बीन, वर्ब की आई एन जी फॉर्म और सेंस फॉर, ठीक है? तो यहां हम लिख नहीं रहे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हैड बीन, वहां पे विल हैव बीन, वही का वही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, जैसे कि आई हैव बीन
गोइंग, कहाँ जा रहा है ये? गोइंग टू कोचिंग। कब से जा रहा है? फॉर वन मंथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा? हैड बीन, आई हैड बीन, आई हैड बीन गोइंग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई विल हैव बीन। एनी प्रॉब्लम? ठीक। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फार क्यों आया। सेंस और फार में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। दो चीज़ें होती हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, ऑर्डर ऑफ टाइम। जब निश्चित समय हो तो क्या लगाएंगे? सेंस। और जब अनिश्चित समय हो तो क्या लगाएंगे? फॉर। निश्चित समय इन द सेंस, जैसे मैं कहूँ सुबह से, दोपहर से, 26 जनवरी से, ठीक है, पिछले साल से, तो क्या लगाएंगे? सेंस, क्योंकि ये निश्चित समय है। टाइम भी दिया हो तो निश्चित समय, लेकिन अगर ऐसा बोला 2 घंटे से, 10 घंटे से, 10 साल से, कुछ दिनों से, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। समझ में आया? चलो अब हम जरा इसके 6-6 सेंटेंस बनाना देखते हैं, किस प्रकार से 6 सेंटेंस बनाए जाते हैं। एक बार चेक कर लूँ, नहीं तो पता चला मेहनत बेकार चली जाए।